लो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एनकेल्फ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कामाख्या गया एक्सप्रेस के बारे में। तो अगर मैं इस ट्रेन के बारे में बात करूं तो ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या गया एक्सप्रेस, यह ट्रेन हर मंडे को चलती है। यह ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1070 किलोमीटर, वो भी 22 आवर्स 40 मिनट्स में। इस जर्नी के बीच इसका 19 हॉल्ट्स रहता है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो यह ट्रेन चलती है विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 47 किलोमीटर पर आवर और मैक्स परमिसिबल स्पीड इसका 110 kmph है। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो यह ट्रेन हर मंडे को सुबह 7 बजे कामाख्या से खुलती है और अगले दिन सुबह को 5:40 में गया रेलवे स्टेशन पहुँचाती है। रेक की बात करूँ तो इस ट्रेन में LHB कोचेस लगे हुए हैं। अगर मैं कोचेस की बात करूं तो जनरल के 3, स्लीपर के 10, थर्ड एसी के 5, सेकेंड एसी का 1 कोचेस लगे हैं। बट आपको इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर मैं फेयर के बारे में बात करूं तो जनरल के 265, स्लीपर का 485, थर्ड एसी का 1325 और सेकेंड एसी का 1925 है। दोस्तों, यह ट्रेन अपनी पूरी जर्नी WDM3A या WDM3D लोकोमोटिव के साथ पूरी करती है, जो कि एक डीजल लोकोमोटिव है। गाइस, यही कुछ बातें थी कामाख्या गया एक्सप्रेस के बारे में। तो दोस्तों, पार्ट 2 भी आएगा इसी से रिलेटेड, जिसमें मैं बताऊंगा कि यह ट्रेन कहां कहां रुकती है, कितनी देर रुकती है, सब कुछ। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पार्ट 2 चैनल पे पब्लिश हो चुकी होगी तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी।